बिहार सरकार से और साथ में शिक्षा मंत्री से जो क्षमतालय फाउंडेशन को भी इतना पैसा दिया जाए, कुछ फंड दिया जाए पूरे बिहार के हर एक प्रखंड में के हर एक स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी हो मिडिल स्कूल में जाके कैसे जोड़ के पढ़ाया जाए उसके लिए प्लानिंग करना। इसमें तो शिक्षा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये तुरंत अभिभावक को भी तुरंत रिजल्ट चाहिए शिक्षा। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं मौजूद हूँ अभी अपने कोचिंग संस्थान दृष्टि द साइंस विजन में ही, और हमारे साथ अभी जो एक महानुभाव जुड़े हुए हैं, और इनका नाम है, क्या नाम हुआ आपका? अमन गौतम जी जुड़े हुए हैं, और ये क्षमतालय फाउंडेशन से आए हुए हैं, एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और किस पोस्ट पे हैं और क्या काम कर रहे हैं, सारी चीजें की जानकारी, और बहुत ही अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं एक छात्र का मेरे पास में, यहाँ क्षमतालय का जो एक फॉर्म है जो फिलअप किया गया, बच्चे का नाम सुनील कुमार, माता का नाम सीमा देवी, पिता का नाम रंजीत राम, और कक्षा ये 6वीं B में पढ़ता है लड़का, तो इनका एक फॉर्म इनके पास है, और साथ में ये जानकारी लेंगे जो क्षमतालय जो एनजीओ संस्था जो है, जो ये क्षमतालय है, तो क्षमतालय किस सेक्टर में काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, और शिक्षा एजुकेशन के सेक्टर में इनका क्या योगदान रहा है, ये तमाम चीज़ों पर हम जानकारी लेंगे। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्ते, मेरा नाम अमन, क्षमतालय फाउंडेशन के आई डिस्कवर फैलो बिहार में हम लोग काम करते हैं सर। और क्षमतालय जो है पहले राजस्थान में 2016 से काम करना शुरू की है, अभी 3 स्टेट में काम कर रही है, एक राजस्थान है और दूसरा दिल्ली और तीसरा बिहार में सितंबर महीने से काम कर रही है। तो बेसिकली हम लोग का सिलेक्शन जो है सितंबर में किया गया है, एक फेलोशिप के तहत में हम लोग जुड़े हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग को 10 गवर्नमेंट स्कूल में एक सरकार के साथ MOU हुआ है, जो मिल के काम करेंगे गवर्नमेंट के साथ, जिसमें 10 स्कूल हैं, और हम लोग को बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करना है, एक है बच्चे, और दूसरा विद्यालय के शिक्षक, तीसरा है समुदाय। पहले बच्चों के साथ इंटीग्रेटेड लर्निंग और सी लर्निंग, मतलब बच्चे को मैथ के साथ EVS कैसे जोड़ के पढ़ाया जाए उसके लिए प्लानिंग करना। जैसे कि होता है ग्राफ बना लिए बच्चे, लेकिन उसको बेसिकली डाटा का पता नहीं रहता है, तो हम लोग का ये प्रयास है जो इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए जी। समुदाय में जाने का एक है, जो समुदाय जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक अधिक बच्चे की उपस्थिति में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अभी समुदाय जागरूक नहीं है, इस वजह से अगर समुदाय जिस दिन जागरूक हो गई, आप ही का बच्चा है या आपके बगल में पढ़ता है या आपके कोचिंग में पढ़ने आता है, अगर आप चाहेंगे तो वो बच्चा विद्यालय जाएगा। और PTM में पहले कम लोग आते थे, जब हम विद्यालय आना शुरू किए हैं 3 महीने से, तो पहला PTM में सिर्फ 12 लोग आए थे, लेकिन अब क्या होता है ये PTM, क्या होता है ये जरा दर्शकों को समझना। तो एक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, जिसमें अभिभावक अपनी बात शिक्षक को के सामने रखते हैं, और उस बच्चे के जो भी विकास हुए हैं या बच्चे से जो के बारे में जो भी अभी शिक्षक को रहता है वो अभिभावक को बताते हैं। एक तरह का पेरेंट्स मीटिंग हो गया। पेरेंट्स मीटिंग जी जी बिल्कुल जी। तो उसमें भी जैसा कि आप रिपोर्ट कार्ड देखे थे, तो वो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर पाते हैं, कहाँ पे उसे दिक्कत होती है और क्या सुधार वाले क्षेत्र हैं, तो वो हम उसमें दर्शाते हैं, आगे क्या उसके लिए विद्यालय एक्शन लेगी और क्या उनको एक्शन लेना है, ये भी हम लोग तय करते हैं। और यही है मेरा समुदाय में जाने का। और शिक्षक के साथ जो करना है, उनके साथ साप्ताहिक गोष्ठी करने, हर फ्राइडे को जिस भी विद्यालय के साथ क्षमतालय काम कर रही है वहाँ पे मतलब हर फ्राइडे को उनको एक मीटिंग किया जाता है, जो इस सप्ताह की क्या सीख है, इस सप्ताह के जो भी सीख है वो सारे टीचर बैठ के चर्चा करते हैं, और पढ़ाई के मामले में हम लोग बातचीत करते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड जैसा कि आपके पास में था, ये रिपोर्ट कार्ड था, ये मार्च 2023 का है, तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ बच्चों का, जो सुनील कुमार को कोई परिस्थिति या चित्र देने पर वह 5 लाइन की कहानी लिख भी पाता है, यानी कि ये एक अच्छा बात लिखा हुआ लड़के के बारे में, माने जो भी चीज लिखा हुआ है इसकी खासियत बच्चे का और कमी, यानी कि गुण और अवगुण दोनों लिखा जाएगा इसमें। अगर अवगुण है तो शिक्षक को और पेरेंट्स को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मेरा बच्चा आखिर कक्षा 6वीं में है तो पीछे इतना क्यों है, ये एक यहाँ पर मैं संदेश जाएगा पेरेंट्स को, जो मेरा बच्चा इतना पीछे। अच्छा,
और एक क्षमतालय जो आपका जो संस्था है, जो फाउंडेशन है आपका, इस फाउंडेशन से सबसे बड़ा लाभ पेरेंट्स को ये मिलने वाला है जो स्कूल और बच्चे के बीच में क्या हो रहा है ये चीज़ की जानकारी मिलेगी। माने आप एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं दोनों लोगों के बीच में, जिसमें एक स्कूल है और दूसरा पेरेंट्स है और तीसरा आप हैं, जहां पर आप एक मैसेंजर का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो आपका बच्चों को क्या आ रहा है, आपके बच्चे ने क्या सीखा। अच्छा, ये रिपोर्ट कार्ड आप जब जारी करते हैं तो कितने दिनों पर सेकेंड रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं? तो बेसिकली क्षमताले जो है 2 महीने पर करने वाली है, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को हर महीने रिपोर्ट कार्ड, बच्चे के पेरेंट्स को हर महीने मिले, ताकि उनको भी अच्छा लगे जो मेरा बच्चा इस महीने में ये सीखा है, अगले महीने में ये सीख लिया है, तो उनको भी ये खुशी होगा कि नहीं विद्यालय में भी है तो सरकारी विद्यालय में भी है तो ये धीरे धीरे सीख रहा है। अच्छा, ये क्षमतालय जो फाउंडेशन है, NGO है, तो इनका जो क्षमतालय है इसका मुख्य माने उद्देश्य क्या है, शिक्षा को लेकर क्या करना चाहते हैं ये बच्चे के प्रति, ये जरा? बच्चे में एक खुद एहसास होना चाहिए, मतलब प्रासंगिक करुणा में शिक्षा का के माध्यम से अपने वो वास्तविक क्षमता का एहसास करें, जो हम क्या हैं। क्षमतालय का जो है वो प्लानिंग, आप जो भी कल पढ़ा रहे हैं उसका एक प्लानिंग जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप पढ़ा नहीं पाइएगा। जो जैसा कि आपको हम बताएं ग्रुप वाइज पढ़ाई, तो उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करना होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के जाते हैं तो आप ग्रुप वाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो हम प्लानिंग करके आते हैं वो अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं, साथ में उनका फीडबैक लेते हैं जो इस पर क्या आपका क्या है, जो आप कैसे करवा सकते हैं ये बच्चों को, तो उन और ये प्रयास करते हैं कि टीचर भी मेरे साथ बैठ के और अपने बच्चों के लिए प्लान बनाए। बेसिकली हम एक क्लास पे काम करते हैं अपने विद्यालय में, लेकिन वही एक क्लास हम अपना मॉडल दिखाना चाह रहे हैं जो ये मॉडल बने और इसी मॉडल का कॉपी सारे टीचर अपने क्लासरूम में करें जी, क्योंकि हम ये नहीं है जो हम सारे क्लास में कवर कर सकते हैं, हम कोई एक क्लास लिए। अच्छा, ये वर्क आप एक जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप कितने दिनों में पूरा कर लीजिएगा ये? तो बेसिकली प्रोजेक्ट सर इसमें तो शिक्षा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये तुरंत अभिभावक को भी तुरंत रिजल्ट चाहिए शिक्षा में, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा लंबा समय लगता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, जैसे मक्का हम लगाते हैं, अगर नहीं उसे देखने जाएँ तो शायद वो नहीं होगा। बिल्कुल, तो वैसा ही हमारा बच्चा है और अभिभावक को भी ये थोड़ा सा रहना होगा, क्योंकि अगर फसल लगाते हैं तो उसमें पानी खाद डालना है, वैसा ही हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, उससे भी पीटीएम में देखभाल करना, विद्यालय भेजना, ये सब थोड़ा सा करना होगा। और ये रिजल्ट लगभग 15 साल बच्चों में 15-16 साल के बाद दिखता है, जब वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं या कुछ भी करते हैं तो दिखता है। बिल्कुल, ये मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे क्षमतालय का जो से अभी विद्यापति प्रखंड में, जैसा कि आपने बताया, तो 4 स्कूल मिला है यहाँ पर जी आपको काम करने के लिए वर्क, जिसमें से 2 पर आप खुद काम कर रहे हैं और बाकी पर अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, तो जरा ये बतलाइए हमें जो क्या इससे हम बहुत अच्छा, तो आप जो भी कर रहे हैं, हम तो शुरू में ही बताए आपने, अगर एक स्कूल का भी आपके क्षमतालय के द्वारा मेरे विद्यापति प्रखंड में काम किया जा रहा है, करा जा रहा है, तो बहुत ही सराहनीय काम किया करा जा रहा है। लेकिन विद्यापति प्रखंड में तो ऐसे मैंने दर्जनों स्कूल है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, मगर उस पर भी क्षमतालय को काम करना चाहिए, इसको लेकर क्या काम? तो बेसिकली बहुत सारे विद्यालय है अपने बिहार में या अपने विद्यापति ब्लॉक में भी बहुत सारा है जी, लेकिन क्षमतालय के पास उतना अभी फंड नहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रही है। फंड हो जाए तो शायद वो करेगी। चलिए, तो एक हम माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, जो निश्चित रूप से जो क्षमतालय काम कर रही है, जो NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सराहनीय काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसा कि इन्होंने अभी बतलाया, जो क्षमतालय है, क्षमतालय की भी क्षमता है भाई अपनी, जो वो काम करेगी अपने वर्कर को रखकर उसके बाद काम करवाना, तो इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना है, जहाँ से पेरेंट्स से या कहीं से एक पैसा लेना नहीं है, उस पर बच्चों के मानसिक विकास पे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो जागरूकता एक पेरेंट्स और एक जो शिक्षक है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, मीटिंग करवाना, ये बहुत बड़ी बात है इस संस्था के द्वारा। तो निश्चित रूप से हम आग्रह करना चाहेंगे बिहार सरकार से और साथ में शिक्षा मंत्री से, जो क्षमतालय फाउंडेशन को भी इतना पैसा दिया जाए, कुछ फंड दिया जाए, जिससे क्षमतालय विद्यापति प्रखंड ही नहीं, पूरे बिहार के हरेक प्रखंड में के हरेक स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी हो मिडिल स्कूल में जाके ऐसा काम करे। ये जो बातें हमने आपको बताया हुए कैसा लगा, सर ने जो बातें बतलाई हुए कैसा लगा, निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम।